नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने कोरोना जांच बहुत तेज कर दिया है और अब हर रोज 1 लाख से ज़्यादा सैंपल की जांच हो रही है। और अच्छी खबर ये है कि लगातार 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जाँच हो रही है और कोरोना संक्रमितों की संख्या, उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। पहले 10,000 लोगों की जांच होती थी तो 1,500 लोग आ जाते थे कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अब 1 लाख से ज़्यादा सैंपल की जांच हो रही है, फिर भी 4,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये राहत वाली बात है। बिहार में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक महीना पहले जहाँ 14-15 हज़ार जाँच भी नहीं हो पा रही थी, अब 1,13,000-14,000 सैंपल की जाँच रोज हो रही है। आज भी 1,08,179 सैंपल की जाँच हुई है। और खबर है कि राज्य में अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। बिहार में अब तक 84,578 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेशियो बढ़कर 75% से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक 27,612 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो राहत की बात है कि केवल 27,612 केस ही एक्टिव हैं, बाकी लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। आज भी 422 नए मरीज सामने आए हैं। बेगूसराय में 103, पूर्वी चंपारण में 181, मधुबनी में 115, मुजफ्फरपुर में 173, पूर्णिया में 104, रोहतास में 118, सहरसा में 108, सीतामढ़ी में 113, अररिया में 74, अरवल में 40, औरंगाबाद में 49, बांका में 27, भागलपुर में 70, भोजपुर में 58, बक्सर में 39, दरभंगा में 55, गया में 78, गोपालगंज में 36, जमुई में 22, जहानाबाद में 54, कैमूर में 23, कटिहार में 86, खगड़िया में 42, किशनगंज में 54, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 53, मुंगेर में 46, नालंदा में 74, नवादा में 26, समस्तीपुर में 36, सारण में 98, शेखपुरा में 37, शिवहर में 10, सिवान में 60, सुपौल में 46, वैशाली में 37 और पश्चिम चंपारण में 59 नए संक्रमित मरीज मिले हैं आज जो जांच हुई है। तो चिंता अभी बढ़ी हुई है क्योंकि चुनाव है 2 महीने बाद। अगर संक्रमण पर लगाम नहीं लगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सरकार चुनाव से पहले इतना तेज कर चुकी है टेस्टिंग कि लगता है कि लाखों लोगों की जांच हो जाएगी और कोरोना जांच जैसे जैसे बढ़ रही है संक्रमण काबू में आ रहा है। इस नए अपडेट के मुताबिक राज्य में अब तक 24 घंटे के भीतर 10 लोगों की कोरोना से जान गई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 568 हो गई है। खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 4,034 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमित मरीजों से ज़्यादा है, ये राहत वाली बात है। अगर यही हालत रही तो आने वाले 15 दिन या 1 महीने में कोरोना पूरी तरह से काबू में आ जाएगा। और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या हम बता ही चुके हैं कि 568 हो गई है और बुधवार को जो नियमित अपडेट जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसके अनुसार विभिन्न जिलों में 3,257 नए मरीज सामने आए हैं। 1,08,000 से ज़्यादा सैंपल की जांच हुई है और 3,257 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,98,075 हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है और क्या रिजल्ट आ रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।